मैं देखता हूँ ये रिश्ता कैसे नहीं खत्म होता है। अपनी आवाज ऊंची बात करना समझे? तो इसलिए आए हो तुम यहाँ मेरी इज्जत का तमाशा बनाने, मुझे बदनाम करने? क्यों आए हो तुम यहाँ पे? अंकल देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ, बात को सुनिए। ऐसा को मुझसे मत छीनिए प्लीज, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में हो? ऐसा कौन है? अंकल प्लीज प्लीज, देखिए ठंडे दिमाग से जरा मेरी बात को सुनिए प्लीज। ऐसा इस रिश्ते के साथ कभी नहीं खुश रह पाएगी, कभी भी नहीं, वो बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मत करें। मुझे तुम्हारे किसी मशवरे की जरूरत नहीं है। अपनी बेटे के मुस्तकबिल का फैसला मैं तुमसे बेहतर कर सकता हूँ, तुम इसको यहाँ से चले जाओ। नहीं, देखिए प्लीज 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 प्लीज, मेरी प्लीज सुन ले मेरी बात को प्लीज। अब मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? ऐसा बोलो। ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो आपके खातिर ये कर रही है। आप तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं ना आप। प्लीज उसके साथ ये सुनना करें, रहम करें उस पर। खराब हो गया तुम्हारा, क्या करें? छोड़ो से, इसे खामोशी से बाहर छोड़ दिया। निकल यहाँ से, समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात। इज्जत से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा मैं। और मैं सबके सामने सबको बता दूंगा मैं और आयशा एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर मैं देखता हूँ ये रिश्ता कैसे नहीं खत्म होता है। अपनी आवाज ऊंची बात करना समझे? तो इसलिए आए हो तुम यहाँ मेरी इज्जत का तमाशा बनाने, मुझे बदनाम करने? ये था तुम्हारा मकसद? नहीं 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 ऐसा, ये लोग समझ नहीं रहे, तुम तो समझो ना। खबरदार, आगे मत आना। जब एक बार बता चुकी हूँ कि अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, अपनी खुशी से कर रही हूँ, फिर क्या लेने आए हो तुम यहाँ? नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, जाओ यहां से। खुदा का वास्ता मेरी इज्जत का और तमाशा मत बनाओ, निकलो। सुन लिया, दफा हो यहां से। नीचे अगर कोई तमाशा किया तो अच्छा नहीं होगा। चलो चलो चलो। चलो चलो चलो, चलो।